हैदराबाद सिटी पुलिस, जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे कांस्टेबल ऑफिसर 10,000 से ज्यादा, जो शिफ्ट सिस्टम में 24 आवर्स ये कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है, इसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग 24 आवर्स इस बैटल में शरीक हो रहे हैं। ये लॉकडाउन के एनफोर्समेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग घर के अंदर रहें, और जैसा कि अभी हमारे स्टार देवरकोंडा विजय साहब ने कहा कि वर्ल्ड वॉर से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस वॉर का हो गया है, इसमें हर घर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन, आप घर के अंदर रहेंगे इसी से होगा। अभी हमारे कांस्टेबल ऑफिसर बंजारा हिल के, इन्होंने बताया चेक पोस्ट पर बिना मतलब के बहुत लोग बाइक लेके घूम रहे हैं, तो जब तक इसको आप रोकेंगे नहीं, ये कोरोना वायरस आपके साथ आपके घर के अंदर जाएगा और फिर आपको, आपके फैमिली मेंबर को भी ये परेशान करेगा। तो आज पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से सबसे पहले तो मैं हमारे सबसे फेमस स्टार देवरकोंडा विजय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी दो दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी पुलिस स्टेशन में, जो उस समय अवेलेबल ऑफिसर थे 4,000 से ज्यादा, सबसे दो घंटे तक बातचीत की, सबको मोटिवेट किया, सबको एनकरेज किया, सबको बताया कि ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स, और केवल कांस्टेबल ऑफिसर ही नहीं, उनके साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अभी सबके फैमिली मेंबर सबको घर में रख रहे हैं, लेकिन हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स के फैमिली मेंबर उनको रोड पर आकर ड्यूटी के लिए भेज रहे हैं। तो इसीलिए पूरे फैमिली मेंबर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे फैमिली मेंबर्स को हम, पूरे सीनियर ऑफिसर्स उनको सैल्यूट करते हैं। और ऐसे मौके पे आप लोग सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी आने वाले 3 मई तक 100% लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।